लाइवस्टॉक के एरिया में दो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक है डेयरी, डेयरी डेवलपमेंट, और दूसरी फिशरी। तो अब हम चलते हैं डेयरी डेवलपमेंट और डेयरी डेवलपमेंट के एरिया में। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कैटल पॉपुलेशन, अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसमें से 64% पॉपुलेशन बफेलो की है। हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारे पॉपुलेशन के इंक्रीज होने वाले रेट से ज्यादा है, राइट। हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन का इंक्रीज का रेट परसेंटेज अराउंड 4.2% है और हमारी पॉपुलेशन 1.2% से बढ़ रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से उसके इंक्रीज से ज्यादा हमारे मिल्क प्रोडक्शन का इंक्रीज या इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी अगर हम देखें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, इसके लिए पर कैपिटा पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क 281 ग्राम पर डे है, राइट। ये एशिया की एवरेज से तो ज्यादा है, एशिया की एवरेज अराउंड 186 ग्राम पर डे है, लेकिन वर्ल्ड की एवरेज से अभी भी कम है। वर्ल्ड की एवरेज अराउंड 294 पर डे। तो इसीलिए हमें अभी भी स्कोप है, अभी भी हमारा पोटेंशियल है, और अभी भी हमें लाइफ स्टॉक में डेयरी डेवलपमेंट की करने की जरूरत है। सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट की जब बात आती है, नाम आता है अमूल का, राइट। तो अमूल का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कैसे अमूल का पूरा प्रोग्राम या पैटर्न सक्सेसफुल हुई, और इस तरह के कि अमूल के पैटर्न को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ये हम देखते हैं। अमूल की शुरुआत कैसे हुई, बिफोर इंडिपेंडेंस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स थे, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स अपने मन मुताबिक जो है वो उनसे दाम लेते थे, और खेड़ा के फार्मर्स के पास मिल्क लेके वो बड़े ज्यादा दामों में वो वहां की सिटीज, नियर बाय सिटीज में बेचते थे, और इस तरह से खेड़ा के फार्मर्स एक्सप्लॉइटेड फील करते थे, और ऐसे फार्मर्स कंप्लेन करने गए सरदार पटेल से और मोरारजी देसाई से। सरदार पटेल ने उनको सुझाव दिया कि आप खुद का अपने कोऑपरेटिव बनाइए और आप खुद इस तरह से अपने मिल्क का जो है वो सेलिंग कीजिए, और उस तरह से जन्म हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन का इन 1946। इस पूरे यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे हेड उसमें उसको मिले जिससे अमूल जो है उसकी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई। उसमें पहला नाम है त्रिभुवन दास पटेल का। त्रिभुवन दास पटेल ने इस यूनियन के जब हेड थे तब उन्होंने घर घर जाके, डोर टू डोर जाके फार्मर्स को अपील की कि वो इस किसान के इस कोऑपरेटिव यूनियन में ज्वाइन हो, उनका मिल जो है वहां पे सबमिट कराए, और इसकी वजह से अमूल जो है उसका स्प्रेड, उसका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बढ़ गया गुजरात। उसके बाद 1950 to 1973 इतने टाइम तक अमूल को मिले, आज तक की अमूल के सबसे बेस्ट उसके हेड वर्गीश कुरियन, जो केरला के इंजीनियर थे। वर्गीश कुरियन ने इस दौरान अमूल को एक वाइट रिवोल्यूशन में तब्दील कर दिया। उन्होंने क्या किया, अमूल वर्गीश कुरियन के अंडर में, वर्गीश कुरियन ने पहले तो जो भी नेटवर्क था उस नेटवर्क को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, यानी जो प्रोकरिंग थी फार्मर के साथ उन प्रोकरिंग सिस्टम को उन्होंने स्ट्रेंथन किया। उसके साथ साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसकी वजह से अमूल बिकम फर्स्ट डेयरी इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस चीज एंड बेबी फूड फ्रॉम द बफेलो मिल्क। आज तक सिर्फ वर्ल्ड में काउ के मिल्क से ये चीजें बनती थी, फर्स्ट टाइम इंडिया ने बफेलो मिल्क से ये चीजें बनाई। उसके बाद अमूल जो है सिर्फ मिल्क कलेक्शन, उसके प्रोकरिंग का काम नहीं करता, लेकिन अमूल को एक्सपर्टाइज हासिल हुई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी, यानी कि हाइब्रिड वेराइटी एनिमल्स की, ये मिल्क एनिमल्स की प्रोड्यूस करने में। वेटरनरी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, इंश्योरेंस कवर, क्वालिटी ग्रीन मैन्योर उनके एनिमल्स के लिए, राइट। ये सभी चीजें उनके यूनियन के, उसके कोऑपरेटिव के फार्मर्स को अमूल प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ वर्गीश कुरियन ने इरमा के एस्टैब्लिश की, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इस इंस्टीट्यूट के जरिए रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट या प्रोफेशनल मैनेजर वाला स्किल्ड यूथ इस इरमा इंस्टीट्यूट से जो है वो मिला जाए। उसके बाद इन 1974 गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना हुई। ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे कोऑपरेटिव यूनियन की मार्केटिंग को संभालता है। अमूल के इस सक्सेस के बाद इसे इंप्रेस होते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि अमूल की जो सक्सेस है, जो कोऑपरेटिव यूनियन है, वो इंडिया की और भी स्टेट में स्प्रेड की जाए, और इसीलिए 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने कोऑपरेटिव डेयरीज, जो आनंद के बेस पैटर्न है, उसके तहत उन्होंने NDDB की स्थापना की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए वर्गीश कुरियन,
और वर्गीज कुरियन ने दिल्ली उस एनडीडीबी का हेडक्वार्टर होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एनडीडीबी का हेडक्वार्टर आनंद में ही चाहिए और आनंद में ही जो सारे एक्सपर्ट या जो भी एक्सपीरियंस उनके सारे वर्कर्स हैं, उनके कोऑपरेटिव्स के फार्मर्स हैं, उनके नॉलेज को यूज करके उनके साथ मिलके उन्होंने फिर एनडीडीबी के जो भी या अमूल का जो भी सक्सेस है उन्हें इंडिया के और भी पार्ट्स में स्प्रेड करने के लिए सोचा। एनडीडीबी ने 1970 में इस प्रोजेक्ट को या इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ऑपरेशन फ्लड इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, ताकि अमूल का जो भी सक्सेस है, आनंद पैटर्न का सक्सेस है, वो अलग अलग राज्यों में उसे इंट्रोड्यूस कर पाए। इस फ्लड ऑपरेशन की वजह से इंडिया जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया और यूएसए को तो उसे 1998 में ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर को सरपास कर दिया और फर्स्ट प्लेस हासिल कर दी। आज इंडिया का मिल्क आउटपुट वर्ल्ड के जो आउटपुट है 70% है, राइट। ऑपरेशन फ्लड के फेजेस में हम देखें किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट फेज में यह किया गया कि चार मेट्रो सिटीज बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, उन चार सिटीज में मदर डेयरी के एस्टेब्लिशमेंट की गई। उसके साथ उस मदर डेयरी को कनेक्टेड इंटरलैंड यानी उसके जो रूरल एरियाज हैं जहां से मिल्क कलेक्शन होगा, प्रोक्योरमेंट होगा, राइट, उस पूरा नेटवर्क उन सारे चार मदर डेयरीज का डेवलप किया गया। फेज टू में यह किया गया कि शेड्स और आउटलेट्स यानी जो भी डेयरी के आउटलेट्स थे उनके अंदर हिंटरलैंड्स में जो भी फार्मर्स थे उनके शेड्स उनमें बढ़ोतरी की गई। उसके साथ साथ मिल्क कोऑपरेटिव्स प्रोड्यूसर्स ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को अलग अलग स्टेट में कोऑपरेटिव्स बना के ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क उनका बढ़ा कर दिया गया। उसके साथ एनडीडीबी ने एक उनकी एक्सपर्टाइज से उन्होंने रक्षा नाम की एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की, राइट, फॉर द कैटल की हेल्थ के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे स्टेज में प्रोकरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, मिल्क प्रोडक्शन जो फार्मर सबमिट करने आता है तब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने के बाद उसको पैसा दिया जाता है। तो जो प्रोकरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट, रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती है, तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, राइट, ताकि जो फार्मर्स के जो लाइफ स्टॉक है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव किया जाए, राइट, फीड, वेटनरी सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज उन पे ध्यान दिया गया। फार्मर्स को अलग अलग डेयरी डेवलपमेंट की अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन, इन सभी चीजों के लिए उनको एजुकेशन अवेयरनेस प्रोवाइड की गई। इसे ऑपरेशनल फ्लड का आउटकम यह है कि इंडिया बिकम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, राइट, और ऐसा होने की वजह से जो भी मार्जिनल, जो भी छोटे छोटे लैंडलेस लेबर थे जो इस नेटवर्क से जुड़े उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई, राइट, उनके पास एक इकोनॉमिक कुशन आ गया। सबसे बड़ा फायदा वुमेन को इस पूरे ऑपरेशन फ्लड से हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट इससे हुआ, राइट। एनडीडीबी ने सेवा नाम के एनजीओ जो अहमदाबाद की एनजीओ है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये एनजीओ बहुत ही फेमस एनजीओ है, इसकी हेड है इलापट, वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी। सेवा जो है वो लोअर इनकम ग्रुप की वुमेन जो होती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन होती है, उनको फाइनेंशियल क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो एनजीओ चलाते हैं। ये सेवा से मिलके एनडीडीबी ने 6000 वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलपमेंट किया, राइट, और उसकी नंबर्स भी बढ़ते रहे। तो इसकी वजह से पूरे ऑपरेशन फ्लड में, डेयरी डेवलपमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ा। एनडीडीबी ने और भी कई एरिया में एक्सपर्टाइज हासिल की, उसने एनिमल हेल्थ, एनिमल न्यूट्रिशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब में भी एक्सपर्टाइज हासिल की। आज हम जानते हैं कि अमूल या इस तरीके के मदर डेयरी कितने अलग अलग टाइप्स के मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर, राइट, तो इसके पीछे है उनकी R&D, उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज। हमने देखा था कि जो फार्म और फार्मिंग में कोऑपरेटिव फार्मिंग जो थी वो इंडिया में टेक ऑफ नहीं हुई, लेकिन मिल्क या डेयरी एरिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में सक्सेस हुई। तो इसके पीछे रीजन क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा फैक्टर्स काम करते हैं। मैंने बताया कि एक बार सभी फार्मर्स मिल के अगर वहां पे प्रोड्यूस करें तो जब शेयरिंग की बात आती है तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स काम करेंगे। अलग अलग लैंड साइड्स, लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग होगी, किसी का नॉलेज अलग अलग लेवल पर होगा, राइट, हार्डवर्क अलग कोई करेगा, एग्रीकल्चर टूल है, इन्वेस्टमेंट कोई अलग अलग करेगा, और इसकी वजह से जो फार्म के प्रोड्यूस जो फाइनल आउटकम होगी उसको शेयर करना डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन डेयरी डेवलपमेंट में ये होता है कि इंडिविजुअल फार्मर को सिर्फ अपना मिल्क का कंटेनर लेके उस ब्रोकरिंग एजेंसी के पास जाना है,
वहां पे वो ब्रोकरिंग एजेंट उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देख के उसको पैसे दे देगा, वहीं पे पूरा उसका काम खत्म हो जाएगा, राइट। मिल्क का मोनिटाइजेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा और उसके साथ उसके यूनियन में भी जो भी सारे फार्मर्स जुड़े हुए हैं, राइट, तो सारा जो भी उनकी डेयरी में जो भी प्रॉफिट होता है वो इजीली उनको डिवाइड कर सकता है। तो इसे डेयरी डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव इंडिया में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो फायर प्लान में 12th फायर प्लान में इंट्रोड्यूस किया 2014-15 में इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये इस प्रोजेक्ट को हेड करता है, राइट। इस मिशन के तहत फोडर और फीड जो है उस पर ध्यान दिया जाता है, राइट, क्योंकि जो पेस्चर लैंड आज कम होते जा रहा है और इसकी वजह से जो क्वालिटेटिव मैन्योर है, क्वालिटेटिव फोडर लाइफ स्टॉक को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं और इसकी वजह से हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो है एक लेवल से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक और इनोवेटिव चीज सोची है, जिस तरह की हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी बिल है, एनिमल्स के लिए ऐसा फीड सिक्योरिटी बिल आना चाहिए। इस फीड सिक्योरिटी बिल के साथ साथ, यानी कि उनको फोडर की सिक्योरिटी देने के साथ साथ, जो भी फार्मर्स हैं जो मिल्क के पूरे मार्केटिंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ऐसे फार्मर्स के लिए फैसिलिटी के लिए भी वहां पे प्रोविजंस दिए गए। यानी कि जिस तरह की हमारी एमएसपी प्राइस होती है क्रॉप्स के लिए, इस तरह के मिल्क के लिए भी यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल इंडिया में एक मिल्क प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरह क्रॉप से रिलेटेड फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ऐसे ही फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स जो मिल्क को इसके कोऑपरेटिव से जुड़े हैं उनको मिल्क क्रेडिट कार्ड देना चाहिए, राइट। उनके क्रेडिट जितनी उनको मिलेगी मिल्क क्रेडिट कार्ड में, तो उसकी वजह से वो क्रेडिट को वो उसी लाइफ स्टॉक के डेयरी डेवलपमेंट में, अपने लाइफ स्टॉक के डेवलपमेंट में उसके यूज कर पाएंगे। गोबर बैंक बनानी चाहिए, गोबर बैंक बनानी चाहिए, यानी कि जो भी फार्मर्स जिनके पास भी लाइफ स्टॉक है, राइट, तो उनका ये पूरा जो सारे प्रोड्यूस है गोबर उसको इकट्ठा करना है, उसका भी ब्रोकरिंग एजेंसी होनी चाहिए, उसको ब्रोकरमेंट करे, राइट। तो इससे भी जो भी गोबर मिलेगा उससे फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं, ग्रीन मैन्योर, राइट, बायोगैस से प्रोडक्शन हो सकता है, तो फार्मर को एक और इनकम का उनका एक सोर्स मिल सकता है। उसके साथ साथ गोबर के अलावा एनिमल के दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे काउ यूरिन है, तो उनका भी मार्केटिंग होना चाहिए, राइट, उनका भी ब्रोकरिंग होना चाहिए, मार्केटिंग प्रोसेसिंग होना चाहिए, क्योंकि काउ यूरिन भी जो है वो मेडिसिनल पर्पज में काम आता है। तो जो भी ये गोबर और काउ यूरिन जो सारा वेस्ट जाता है उससे भी अगर हम मार्केटिंग में लाए तो उससे भी फार्मर को इनकम मिल सकती है, उससे भी उसका इनकम बढ़ सकती है। तो इस तरीके की फोडर फीड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। वेटरनरी हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या इश्यूज है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ कैटल को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जरूरत है, रेगुलर बेस पे, राइट, जिस तरह हमारे छोटे बच्चों को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन दिया जाता है वैसे ही एनिमल्स के लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जो सीमेन बैंक्स है, राइट, जहाँ पे हमारे इंडिजीनियस कैटल ब्रीड के सीमेन को कंजर्व किया जाता है ताकि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, तो उनकी कंडीशन को सुधारने की जरूरत है। उसके साथ आज हमारे इंडिया में वेटरनरी डॉक्टर की शॉर्टेज है, राइट, वेटरनरी यूनिवर्सिटी उनके कॉलेजेस की भी शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट को उन एरिया में ज्यादा अलोकेशन देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा यूथ को वेटरनरी डॉक्टर या वेटरनरी मेडिकल सर्विस में जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, राइट, ताकि वेटरनरी का जो एरिया जो डॉक्टर की शॉर्टेज हो रही है वो कम हो सके। एक और टॉपिक है इंडिजिनियस कैटल, ये टॉपिक आज काफी न्यूज में, कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप मिनिस्ट्री में अगर पढ़े, राइट, उनके डॉक्यूमेंट्स में, तो ये चीज आती है इंडिजिनियस कैटल के बारे में। इंडिजिनियस कैटल की इम्पोर्टेंस आज हम समझते हैं और आज गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी इंडिजिनियस कैटल की पॉपुलेशन में बढ़ावा, और ये पूरी चीज क्यों न्यूज में है वो हम देखते हैं। आज इंडिया की जो इंडिजिनियस कैटल की पॉपुलेशन है इट इज वल्नरेबल टू एग्जिस्टेंस। हमारे यहाँ जो इंडिजिनियस जो भी हमारे लाइफ स्टॉक है उसमें से 83% गांव की पॉपुलेशन इंडिजिनियस, फेयरवेली गुड अमाउंट, लेकिन उसका ईयरली बेसिस पे डिक्लेरेशन हो रहा है। 2007 में 8% पॉपुलेशन हमारी इंडिजिनियस गांव की पॉपुलेशन में कमी थी और हर साल इस तरीके की डिक्लाइन जो है हम देखते रहे। इंडिया में टोटल 87 रिकॉग्नाइज इंडिजिनियस कैटल ब्रीड है, राइट, एग्जाम्पल्स है गिर, रथी, साहिवाल, कसरगोड, कांकरेश, अमृतमहल, ऐसी बहुत सारी हमारी कैटल इंडिजिनियस ब्रीड है, उसमें से गिर और कांकरेश तो गुजरात की इंडिजिनियस कैटल ब्रीड है।
चैलेंजेस क्या है इस कैट हमारे इंडिजिनियस ब्रीड के सामने, और क्यों इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है? सबसे पहले एक्सेसिव क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, राइट? जो भी इंडिजिनियस है उनका हाइब्रिड या फॉरेन की ब्रीडिंग के साथ क्रॉस ब्रीड किया जाता है, और इंडिजिनियस जो हमारी प्योर ब्रीड है उसकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। फार्म मेकेनाइजेशन हो रहा है, हमारी जो इंडिजिनियस ब्रीड है ज्यादा ड्रॉट वर्क के लिए काम आते हैं, यानी कि हल चलाने में काम आते हैं। जितना मेकेनाइजेशन हो रहा है अब उन्हें उस एनिमल की जरूरत नहीं पड़ती, और फार्मर सोचते हैं कि सिर्फ मिल्क से रिलेटेड उनका एनिमल रखना है, तो इसीलिए वो हाइब्रिड वैरायटी को चूज करता है और हमारी इंडिजिनियस वैरायटी को चूज नहीं करता। तीसरी चीज है डिक्लाइन ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड, पेस्चर लैंड और ग्रेजिंग ग्राउंड कमी आ गई है, राइट? तो इसीलिए फार्मर्स जो हाइब्रिड वैरायटी के लिए अलग से इन्वेस्ट करके ग्रीन मैन्योर खरीद सकते हैं, राइट? वैसे फार्मर्स करते हैं। अदरवाइज जो फार्मर के पास ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज या ब्रीड खरीदने की उनके पास जो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तो फिर वो लाइफ स्टॉक रखना कम कर देते हैं क्योंकि उनके लिए ग्रेजिंग ग्राउंड है नहीं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग या लैंड की साइज इतनी कम हो गई है कि लाइफ स्टॉक को रखने की जगह ही नहीं, राइट? तो इसकी वजह से भी इंडिजिनियस कैटल ब्रीड कम हो रही है। कैश क्रॉप में शिफ्टिंग हो जाना, हमारी जो इंडिजिनियस वैरायटी होती है वो एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज होता है यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो बचता है उस पे भी वो सर्वाइव कर सकती है, राइट? लेकिन अब हम कैश क्रॉप में अगर बचा रहे हैं, रबर हो ऐसे कैश क्रॉप उगा रहे हैं, राइट? तो ऐसे लेफ्ट ओवर से तो वो कोई भी लाइफ स्टॉक है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसीलिए फिर वो फार्मर हाइब्रिड वैरायटीज को ज्यादा चूज करेगा कंपेयर टू अवर इंडिजिनियस वैरायटी। तो ये सारी चैलेंजेस हैं आज हमारे इंडिजिनियस कैटल ब्रीड के सामने। हमारी इंडिजिनियस कैटल ब्रीड का इंपॉर्टेंस क्यों, क्यों हमें इन्हें बचाना चाहिए, राइट? अगर क्रॉस ब्रीड वैरायटी से इतना ज्यादा यील्ड मिल रहा है, हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, तो क्यों हमारी इंडिजिनियस वैरायटी को हमें कंजर्व करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी इंडिजिनियस कैटल ब्रीड एक्सोटिक ब्रीड से कई एरिया में ज्यादा सुपीरियर है। रीजन उसके, सबसे पहला रीजन तो ये हमारी ही एरिया में यानी हमारे रीजन में ये डेवलप हुई है, दे आर इंडिजिनियस टू अस, और इसी एरिया में उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को एडेप्ट कर चुकी है, राइट? हमारी अरिड सिचुएशन हो या ड्रॉट सिचुएशन को ये सारी ब्रीड सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? जो एक्सोटिक ब्रीड होती है उनको रेगुलर वे पे रेगुलर अमाउंट में फोडर देना जरूरी है। हमारी इंडिजिनियस ब्रीड लो इंटेक उनको कम भी अगर दिया जाए, ड्रॉट सिचुएशन भी आ जाए, तो भी ये सर्वाइव कर लेती है। उसके साथ हमारी इंडिजिनियस ब्रीड हमारे यहाँ के जो भी लोकल हमारे डिसीज है उसे रेजिस्ट है, राइट? क्योंकि यहीं पे वो यहाँ की इंडिजिनियस वेराइटी है, तो यहाँ पे ड्रॉट डिजीज रेजिस्टेंट है, उनको मैनेज करना इजी है, राइट? ड्रॉट वर्क यानी हल चलाने में, ऐसे काम में भी, एग्रीकल्चरल काम में भी ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो इंडिजिनियस ब्रीड भले ही उसका मिल्क का यील्ड कम हो, लेकिन न्यूट्रिशंस के तरफ से अगर हम देखें तो हमारी इंडिजिनियस काउ होती है या बफेलो होते हैं, उनके मिल्क की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रिच होती है। उसके साथ ये जो हमारे इंडिजिनियस कैटल ब्रीड होती है वो हमें बहुत ही गुड अमाउंट या बहुत ही रिच अमाउंट का कंपोस्ट देते हैं, जो अरे कनट यानी सुपारी, राइस, कोकोनट्स, उनके फार्म के उनके फर्टिलाइजर में जो ग्रीन मैन्योर में बहुत ही अच्छे से यूज हो सकता है। उसके साथ ये सारी ब्रीड जो होती है इंडिजिनियस वो किचन लेफ्ट ओवर्स या एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होता है उसमें भी सर्वाइव कर सकती है, एक्सोटिक ब्रीड नहीं कर सकती, राइट? और उसके साथ साथ ये जो हमारी इंडिजिनियस ब्रीड है उसमें कुछ ब्रीड तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर ब्रीड है, ऐसी ब्रीड हमें फ्यूचर में रिसर्च के लिए भी काम आ सकती है, फ्यूचर में और भी अच्छी हम ब्रीड बना सकते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमारी इंडिजिनियस ब्रीड का होना जरूरी है। इंडिजिनियस ब्रीड को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली दो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए, राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये दोनों मिशन से हमारे इंडिजिनियस ब्रीड को हम कंजर्व करेंगे। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट दो कामधेनु सेंटर्स बनाएगी, राइट? एक नॉर्दर्न इंडिया में और एक सदर्न इंडिया में, और एक न्यूक्लियस हर्ड बनाएगी, यानी एक ही जगह पे सारी हमारी इंडिजिनियस कैटल ब्रीड है उन सारी ब्रीड को एक ही जगह पे एक न्यूक्लियस हर्ड में रखा जाएगा, और उनके ज्यादा से ज्यादा उनको क्वालिटेटिव फोडर दिया जाएगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, राइट? उनके डिसीज रेजिस्टेंस के लिए वहां पे प्रोविजन दिए जाएंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एक रिपोजिटरी बनाएगी, राइट? यानी सभी हमारे जो इंडिजिनियस कैटल है उनका एक जीनेटिक है, उनके जीन्स का एक जर्म प्लाज्म बनाया जाएगा, एक पूल बनाया जाएगा, राइट? या उसमें हमारे सारे इंडिजिनियस जो कैटल्स है उनके जीन्स हो, और ऐसा जीन्स होगा सोर्स सर्टिफाइड जीनेटिक सोर्स फॉर द कंट्री। यानी ऐसे रिपोजिटरी में से अगर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को
वहां से हमारी इंडिजिनियस ब्रीड में से अगर क्रॉस ब्रीडिंग करनी है तो वहां से उस रिपोजिटरी में से उसे वो जीन्स मिल सकते हैं राइट, और उसको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी जो हैफेजार्ड हमारा जो क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है उसमें भी कंट्रोल आ जाएगा और हमारी इंडिजिनियस ब्रीड की जो जर्म प्लाज्म है वो हम परमानेंटली कंजर्व कर पाएंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये एक प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। हमारी जो 37 इंडिजिनियस ब्रीड कैटल की है और 13 इंडिजिनियस ब्रीड है बफेलो की, इनके कंजर्वेशन के लिए है राइट। इनका कंजर्वेशन हम साइंटिफिक मैनर में करेंगे। हर एक इंडिजिनियस ब्रीड को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़े उसके लिए जो है वहां पे साइंटिफिक मैनर में प्रयास किया जाएगा। यानी कि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़े राइट। उसके ऑब्जेक्टिव ये है कि सुपीरियर न्यूट्रिशंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े राइट। अपग्रेडेशन जो भी इंडिजीनियस हमारे बोवाइन जर्म प्लाज्म की जो भी रिपोजिटरी है उनको अपग्रेड किया जाएगा, और जो भी हमारे सुपीरियर इंडिजीनियस ब्रीड है जो डिजीज रेजिस्टेंट है या ज्यादा प्रोडक्टिव है, ऐसे जेनेटिक मेरिट बुल को हम ज्यादा नेचुरल हमारे सर्विसेज के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाए। यानी ज्यादा से ज्यादा हमारी अच्छी ब्रीड हमारे यहाँ पॉपुलेशन उनकी बढ़े। तो ये था राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये सारे जो भी प्रोग्राम्स थे हमारे इंडिजिनियस ब्रीड को कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने तैयार किया। तो लाइफ स्टॉक के एरिया में हमने डेयरी का सेक्शन देख लिया किस तरीके से अमूल जो है उसका जन्म हुआ, और अमूल के साथ साथ इंडिया में पूरे इस तरीके के अमूल के सक्सेस को स्प्रेड करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्लान का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके साथ साथ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड के बारे में हमने देखा जो आज काफी न्यूज में है। उसके बाद हम चलते हैं फिशरी के डिपार्टमेंट में, फिशरी के सेक्टर में। फिशरी सेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है मरीन फिशरी और एक इनलैंड फिशरी। गवर्नमेंट भी इसको अलग दो तरीके से हैंडल करती है, हमें भी उनको अलग सेपरेटली स्टडी करना है। सबसे पहले मरीन फिशरी। इंडिया में मरीन फिशरी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि हमारी जो पोटेंशियल है उसे कहीं कम हम उसे एक्सप्लोइट कर पाए राइट। उसका एक फॉर्मली उसका एक प्रूफ ये है कि इंडियन ओशन वर्ल्ड का सबसे कम एक्सप्लोइटेड रीजन है, यानी सबसे कम यहाँ पे फिशिंग की जाती है या फिशिंग प्रोडक्शन होती है। इंडिया में अगर हमारा पूरा मरीन फिशिंग का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो 75% ऑफ प्रोडक्शन वेस्टर्न कोस्ट में से आता है और सिर्फ 25% ईस्टर्न कोस्ट में से आता है। स्टेट वाइज अगर मैं कंपेरिजन करूं तो लार्जेस्ट मरीन फिशरी का प्रोडक्शन करता है गुजरात, उसके बाद केरला, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। मरीन फिशरी के प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले तो हमारी फिशिंग कम्युनिटी में पॉवर्टी, और उसकी वजह से उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास बड़े बड़े मैकेनाइज बोट नहीं है, क्योंकि डीप फिशिंग करी यानी कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद वहां डीप सी में अगर फिशिंग करनी है तो बड़ी मैकेनाइज बोट चाहिए होती है। तो ऐसी मैकेनाइज बोट और उसमें भी ऑन बोर्ड रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी ये सब कुछ उनके पास नहीं होता। बड़ी बड़ी मैकेनाइज वेसल के साथ हुए बड़े बड़े नेट और गियर्स चाहिए, वो उनके पास नहीं होते राइट। इसलिए वो डीप फिशिंग या ऑफशोर फिशिंग नहीं कर पाते। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी यानी लैंडिंग फैसिलिटी, उनके जो भी फिश का जो भी उन्होंने कैच किया है उसके लिए फ्रीजिंग उसके कोस्ट में फ्रीजिंग या कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी उनके पास नहीं होती। मार्केटिंग फैसिलिटी ट्रेडर के साथ या एक्सपोर्टर्स के साथ डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी फैसिलिटी वहां पे नहीं होती। कैनिंग यानी कि प्रोसेसिंग की फैसिलिटी हमारे यहाँ फिशिंग रीजन में नहीं होती, इसलिए यानी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ नहीं है। मरीन फिशिंग इंडिया में सीजनल हो जाती है, कई बार जब हमारे यहाँ मानसून सीजन आती है या ट्रॉपिकल साइक्लोन उस सीजन में आता है तब बहुत ही ज्यादा विंडी हो जाता है सी, और इसकी वजह से भी ये हिंडर करता है फिशिंग को। यानी उस टाइम पे फिशरमैन जो है वो फिशिंग करने के लिए जा नहीं पाते और इसीलिए भी हमारी फिशिंग इकोनॉमी को ये डैमेज करती है। डीप शिप फिशिंग इस तरह की जाती है, उसके लिए बड़े से लार्ज मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल चाहिए, बड़े बड़े गियर्स और फिशिंग नेट उसमें चाहिए होते हैं, ऑन बोर्ड रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी चाहिए क्योंकि इतने दूर डिस्टेंस पे जाके जब फिश कैच करते हैं राइट तब कोस्ट पे आते आते वो फिश जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ऑन बोर्ड रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी भी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जीपीएस सिस्टम राइट, ताकि वो फिर वापस आ पाए, ताकि वो पाकिस्तान और श्रीलंका के बॉर्डर्स में ना चले जाए और पूरी जिंदगी वहां के जेलों में ना वो लोग बर्बाद करें अपनी लाइफ। तो उन सभी इस तरीके की हाईली मैकेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड वेसल्स होने चाहिए डीप सी फिशिंग के लिए, और इंडिया में इस तरह की डीप सी फिशिंग
इन सभी चीज नहीं होने की वजह से नहीं हो पाती। एक नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने डेवलप की है मरीन फिशिंग के लिए, इसे ओपन सी केज फिशिंग कहते हैं। उसमें यह होता है कि कोस्टल रीजन में एक आर्टिफिशियल इस तरीके का केज बनाया जाता है, राइट, जो फ्लोट करता रहता है। वहां पे फिशरमैन आके वहां पे सीडलिंग्स डालते हैं, जिस टाइप की फिश जो है उसका कल्चर बनाना है, उसे कल्टिवेट करना है, उसके यहाँ पे सीडलिंग डालेंगे, बार बार उसे फीड करते रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, राइट, और एक आर्टिफिशियल पॉड सी के अंदर ही बनाएंगे, राइट, और वहां पे इस तरीके की मरीन फिशरी का वो कल्चर आर्टिफिशियली कल्टिवेशन कर सकते हैं। यानी कि ये सिस्टम पूरी ऐसी होगी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल फिशिंग। तो इस तरीके का एक्वा कल्चर ओपन सी केज फार्मिंग में हो सकता है। सेंट्रल मरीन फिशरी इंस्टीट्यूट इंडिया की इस तरीके का फिशरमैन को ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करती है ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी वो एडॉप्ट कर पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सौराष्ट्र में नियर सोमनाथ सीधी कम्युनिटीज है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सीधी कम्युनिटी जो अफ्रीकन ओरिजिन है, वहां पे सेंट्रल मरीन फिशरी इंट्रोड्यूस इंस्टीट्यूट है, वहां पे उन्होंने उनकी ट्रेनिंग दी थी और सीधी कम्युनिटी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद दे गॉट वेरी गुड इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इस तरीके की टेक्निक जो है वो फिशरमैन में स्प्रेड की जा रही है। मैं अगर मरीन फिशरी और इनलैंड फिशरी का कंपैरिजन करूं तो मरीन फिशरी का प्रोडक्शन हमारा कम है कंपेयर टू इनलैंड फिशिंग, और आफ्टर 2000 के साल के बाद तो इनलैंड फिशिंग का प्रोडक्शन हमेशा आगे रहा है मरीन फिशरी के प्रोडक्शन से। इनलैंड फिशिंग यानी कि हमारे लैंड के अंदर जो भी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, एस्चुरीज, डेल्टास, बैक वाटर्स, लगूनस, वहां पे जो फ्रेश वाटर फिशिंग की जाती है उसे इनलैंड फिशिंग कहते हैं। उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन केरला, देन आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल में तो गंगा का बड़ा सा डेल्टा है, राइट, सुंदरबन डेल्टा, और इसकी वजह से यहाँ पे फिशिंग या इनलैंड फिशिंग का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। प्लस उनके डाइट में भी फिश की डिमांड या उसकी जरूरत ज्यादा है, डिमांड लोकल डिमांड बहुत ज्यादा है। गुजरात में प्रोडक्शन होता है लेकिन ज्यादातर गुजरातीज आर वेजिटेरियंस, सो लोकल डिमांड फिश की हमेशा स्टेट में कम रहती है, और इसलिए 97% ऑफ हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है या दूसरे स्टेट में उनका सप्लाई किया जाता है। केरला में बहुत सारे बैक वाटर्स हैं, लगून्स हैं, लेक्स हैं, और वहां पे इस तरीके की इनलैंड फ्रेश वाटर फिशिंग की जाती है। बहुत ही इंटेंसिवली ये यहाँ पे फिशिंग की जाती है, और सबसे उसकी यूनिक बात केरला की है कि उसके फिश के प्रोडक्शन का 85% ये लोग प्रोसेस करते हैं, राइट, यहाँ पे फिशिंग होने के बाद उनके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, मार्केटिंग फैसिलिटी है। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जिस तरह की हमारे मिल्क के लिए कोऑपरेटिव्स हैं, आंध्र प्रदेश में फिशिंग के भी कोऑपरेटिव्स बने, वही कोऑपरेटिव्स डायरेक्टली मार्केटिंग करते हैं, राइट। ज्यादातर इनका प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में सप्लाई होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में लोकल डिमांड फिश की बहुत ज्यादा रहती है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ब्लू रिवोल्यूशन ताकि हमारी ये फिशरीज का जो सेक्टर है उसे ज्यादा से बूस्ट मिले, जो भी अंडर डेवलप्ड हमारा रीजन है उसे ज्यादा से ज्यादा बूस्ट मिले। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स सोच कर रखे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फिशरी हमारा प्रोडक्टिव या इकोनॉमिकल बेनिफिट बने, राइट। रिवोल्यूशन, ये ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1970 में अराउंड 5th फायर प्लान के तहत। फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी बनाएगी और लेटेस्ट स्टेज में ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी बनाएगी। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी हमारे फिशरमैन है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे अडॉप्ट करें, राइट, मशीनरी, मार्केटिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए। इस पूरे प्रोग्राम की वजह से सबसे ज्यादा फायदा हुआ आंध्र प्रदेश के श्रिम्प प्रोडक्शन, और आज नेल्लोर जो सिटी है आंध्र प्रदेश का वो श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। कैसे हुआ ये? श्रिम्प की कल्चर या उसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर। ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर यानी कि उसमें बड़े बड़े आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जाते हैं जिसमें पानी फ्रेश वाटर नहीं होता लेकिन ब्रैकिश यानी सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर होता है, और उसके अंदर कार्प यानी श्रिम्प इस तरीके के जो सी फूड जिसे हम कहते हैं, तो उस तरीके की वैरायटीज को वहां पे कल्टीवेट आर्टिफिशियली वहां पे उनका कल्टीवेशन होता है। तो इस तरीके की कल्चर को कार्प कल्चर भी कहते हैं, राइट। आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में ये ब्रैकिश एक्वा कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्प्रेड हुआ है। आंध्र प्रदेश में इस पूरे ब्रैकिश वाटर या कार्प कल्टीवेशन में या कार्प के प्रोडक्शन में 73% ऑफ कार्प प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश से आता है, स्पेशली नेल्लोर एरिया से, राइट। लेकिन ब्रैकिश वाटर की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं।
क्योंकि ये सारे पॉन्ड सॉल्टी वाटर के हैं, राइट, ब्रैकिश वाटर के, इसीलिए उनका जब सीपेज होता है यानी अंडरग्राउंड एरिया में सॉल्ट जो है वो जाता है, और इसकी वजह से अंडरग्राउंड जो पानी है वो सॉल्टी हो जाएगा, राइट, और इसकी वजह से जब कैपिलरी एक्शन होगी या फिर सराउंडिंग एग्रीकल्चर एरिया में भी सॉल्ट जो है जमा होगा और सॉइल की सैलिनिटी के इश्यूज आ रहे हैं, और इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। फिशिंग का हमारा जो सेक्टर है उसकी क्या क्या पोटेंशियल है, कैसे हम उसको और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे यहाँ फिशिंग अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफाई हो, हम ज्यादा वैल्यू वाली फिशिंग का प्रोडक्शन स्टार्ट करें, जैसे फिन फिश है, सेल्फ फिश है, उनका हम आर्टिफिशियल प्रोडक्शन स्टार्ट करें क्योंकि वो ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है। उसके साथ साथ ऑर्नामेंटल फिशेज जो एक्वेरियम में होती है, राइट, डेकोरेशन के लिए होती है, उस तरह की फिशिंग का भी हम एक्वा कल्चर के तहत हम ज्यादा से ज्यादा उनका आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करना चाहिए। ऑर्गेनिक एक्वा फार्मिंग करनी चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक हम फार्मिंग एग्रीकल्चर में करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हम कम से कम केमिकल्स का यूज करें, कम से कम एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन का यूज करें और कम से कम केमिकल का यूज करें, ऑर्गेनिक एक्वा फार्मिंग करें। उसके साथ साथ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे कोल्ड वाटर फिश की जो स्पीसीज है उनके एक्वा कल्चर है उनके टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। वाटर सी रिसाइकलिंग यूनिट्स यानी जो एक्वा कल्चर होते हैं उसमें जो वाटर रिसाइकलिंग करना पड़ता है तो उसमें भी काफी डेवलपमेंट की जरूरत है, अभी भी हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज में यूज कर रहे हैं। इनलैंड एरिया जैसे कच्छ का एरिया है, राइट, राजस्थान में कुछ लेक्स है, सॉल्ट वाटर लेक्स, तो नेचुरली जो एरिया सलाइन है उस एरिया को मरीन इस तरह की फिशरी डेवलप करने के लिए यूज किया जाना चाहिए जो नेचुरली ब्रैकिश वाटर का वहां पे रिजर्व है। तो फिशिंग को सेक्टर को डेवलप करने के लिए तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक तो मिकेनाइजेशन करना पड़ेगा, राइट, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ब्रीड जो अच्छी सी ब्रीड हम प्रोडक्टिव ब्रीड हम डेवलप कर पाए, जर्म प्लाज्म यानी कि हमारी जो इंडिजीनियस फिश की स्पीसीज मिलती है उनका जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन करना चाहिए, और ये सारी टेक्नोलॉजी जो अगर फिश की सारी जो टेक्नोलॉजी वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, राइट, ताकि ओवर उसका एक्सट्रैक्शन ना हो जाए। ये प्रॉब्लम तमिलनाडु के कोस्ट पे फेस कर रहा है, जो सदर्न तमिलनाडु कोस्ट के जो फिशरमैन है वहां पर इतना ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन फिशिंग का हो चुका है कि इंडियन के साइड के जो वाटर है वहां पे फिश नहीं मिल पाती, और इसीलिए इंडियन फिशरमैन श्रीलंका के वाटर में इंट्रूजन करते हैं, राइट, तो ऐसा ना हो जाए कि हम पूरे अनसस्टेनेबल वे में हम फिशिंग करें और पूरा जो एरिया वो एग्जॉस्ट हो जाए, कुछ ब्रेक लेके रेगुलर वे में साइंटिफिक मैनर में फिशिंग करनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशिंग कैसे हो सकेगा, पहले तो हमारे फिशरमैन के पास मॉडर्न या सोफेस्टिकेटेड ट्रॉलर्स गियर्स नेट उनके पास होने चाहिए, राइट, और उन सभी चीजों को लेने के लिए उनके पास क्रेडिट फैसिलिटी उनके पास फाइनेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आ रही है, राइट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो उनके पास पहुंचनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए ताकि वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। उसके साथ साथ हमें ट्रेड के एरिया में ध्यान देना पड़ेगा, हमारे यहाँ प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग फैसिलिटी में जो पॉवर्टी है वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना पड़ेगा, राइट, उसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस बनाने पड़ेंगे सभी फिशरमैन के साथ, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्टर्स के साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा हाइजीन और क्वालिटी कंट्रोल। हमारे फिशिंग प्रोडक्ट्स में कॉन्टेमिनेट्स एंटीबायोटिक्स के प्रपोर्शन या जो हमारे पोल्यूशन है हमारे वाटर एरिया में और उसकी वजह से उनमें भी इन तरह के कॉन्टेमिनेट्स पाए जाते हैं, इनलैंड फिशरीज में भी ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें हाइजीन और क्वालिटी कंट्रोल बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे एक्सपोर्ट के जो भी सप्लाई जाता है वो रिजेक्ट ना हो पाए और हमारी इमेज एक अच्छे और सेफ एक्सपोर्टर के बनी रहे, और इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन इन क्वालिटी कंट्रोल बनना जरूरी है। तो सारे फैक्टर्स जरूरी है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अवर फिशरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो है वो खत्म हो चुका है, दूसरा जो पोर्शन है वो माइंस एंड मिनरल्स है, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करूँ।